But this word simply emphasized that point. But then also has to be understood the sacred. But yes, this is a part of things. This is a part of life today. This is a part of you being out there in the real. Visiting faculty in colleges, I've worked with schools, I've worked with tech platforms, I've worked with corporates. Like soft skills is not a topic or a subject. Superpower bane, mahashakti bane. Hame zarurat hai ki hamari jo sanskritik virasat hai, jo gyan ki virasat hai. Talk about the adventurous nature of sleep and dreams, the dream world. If we do even unto the world, probably the big internet division, what is not even questionable to experience. And I think successfully do no interaction with the other sex, either in the school. My life's experience was. Now, I will request. Now, I will request to nominate. सर आगाह दे रहा हूँ मैं क्यूरेटर फिलिक्स नाइट श्रीनगर हूँ और मैं फाइनल स्टूडेंट हूँ बीटेक से और वी हैव मीर फैजान ही इज़ द ऑर्गेनाइजर लाइसेंस ईयर एंड वी हैव अलॉन्ग विद ऑल आर टीम मेंबर्स ऑफ मोर देन 60 पीपल फ्रॉम अक्रॉस बीटेक फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर हमने ये टेडेक्स ऑर्गेनाइज किया है विद हेल्प ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एंड एनजीओ बट बेसिकली टेड टॉक इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड हो रही है एंड गेटिंग इट टू श्रीनगर कश्मीर बेसिकली इज समथिंग दैट वी आर सो प्राउड ऑफ डूइंग एंड देन बेसिकली इस बार हमने क्या किया हमने इस बार स्कूल स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया और कॉलेज स्टूडेंट्स को जैसा कि बोल रहे थे सर तो हमने मोर देन 250 स्कूल्स में गए हमने वहाँ मिनी टेड इवेंट्स किए जहाँ इसी तरह से स्टूडेंट्स आए उन्हें अपनी टेड टॉक्स प्रेजेंट किए उसके बाद हमने टॉप स्टूडेंट्स को लाए NIT श्रीनगर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए और टॉप 50 स्टूडेंट्स को आज हमने यहाँ डायरेक्ट एंट्री दी क्यों हमने उनको दिए बिकॉज दे वो आज यहाँ आए और जो हमारे मेन स्पीकर जैसे वजाद साहब हो गए मुबीन मसूद वेंकटा कृष्ण साहब हो गए दक सेठी इतने हमारे 10-12 स्पीकर्स टॉप लेवल स्पीकर्स हैं उनके साथ आए उनकी देखी कि वो कैसे करते हैं और विटनेस दिस इवेंट लाइव सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया टू एक तो एजुकेट आर यूथ बिकॉज बेसिकली हमारा जो लोकल स्टूडेंट्स हैं फॉर द पास्ट 3 years उन्हें ड्यू टू द पैंडमिक एंड एवरीथिंग उन्हें उतना नहीं देखा है तो वट आर बेसिक आइडिया इज टू गिव देम दैट एक्सपोजर कि हमारा कश्मीर के स्टूडेंट्स भी बाद में जाके आगे ये टेड इंटरनेशनल जैसे टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे आगे जाके कुछ प्रेजेंट कर सके और जैसे आज देखें हमारे यहाँ टेड में इतने कश्मीरी स्पीकर्स हैं दैट इज़ व्हाट वी वांट टू बी अ प्लेटफॉर्म टू पीपल और हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी और आज भी दैट इज़ आर बेसिक आइडिया वी ऑर्गेनाइज दिस इन अ टू फेस मैनर एंड दिस इज द टुडे इज द फाइनल इवेंट वी आर कंडक्टेड हियर इन कश्मीर यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स सो आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडेज प्रोग्राम इज प्रोफेसर नीलोफर खान वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड आवर गेस्ट स्पीकर and Honorable Wajad Habibullah sir, former IAS officer 1968 batch, and so many speakers, more than 12 speakers we gathered here, we invited here to share their views and their ideas to groom the students of Kashmir Valley and for the benefit of this, not only for the NIT Srinagar students, we are here, NIT Srinagar, we are a part of the all the colleges. We will develop our Kashmir University students and Kashmir Valley students, including schools as well as colleges. In future, we will also organize more events for the betterment of their future, not only for engineering or medicine or maybe extracurricular and co-curricular activities we are developing. We only lack the opportunities. I believe that we have so much potential here, but we lack the opportunities. So what we are basically trying to do is give that platform. That give that opportunity to have the youth and join Kashmir at the international stage. जैसा कि आप सबने सुना होगा इनिशियली जब इन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी बहुत महीनों से ये एक प्रयास चल रहा था जिसमें कि वैली के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल से बच्चों को प्रेरित करके उनको इनक्रेज करके उनको उनके मनपसंद टॉपिक के ऊपर 2 से 3 मिनट बोलने के लिए कहा गया था वो अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए कहा गया था वहाँ से जो लड़के चुन करके जो बच्चे चुन करके आए उनको फिर NIT श्रीनगर में एक सेकेंड फेज़ के इवेंट में उनको 2 से 3 मिनट बोलने का मौका दिया गया वहाँ से फिर जो फाइनल उनकी सिलेक्शन हुई
जिसमें कि डिफरेंट उनके ओपिनियंस थे, वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। बच्चों को एक अपनी अंदर की आवाज़, जो उनका मन जो है जिस चीज़ में जिस तरफ जाने को कर रहा है, जो करियर ऑप्शन चूज़ करने को कर रहा है, या वो कैसा सोचते हैं यहाँ के डिफरेंट अवेलेबल करियर ऑप्शंस के बारे में, उसके बारे में उन्होंने बात की। वहाँ से जो फिर सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स, उनके लिए टेडेक्स इंटरनेशनल की तरफ से ये आज एक फाइनल इवेंट है, जिसमें कि उनको 9 से 10 जो बहुत अपने एरिया में अकम्पलिश्ड पीपल हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी में है वजाहत हबीबुल्लाह साहब है, आप सब उनसे वाकिफ हो, उन्होंने तो बहुत साल यहाँ पर काम किया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हैं, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उस तरह के लोगों से उनको रूबरू आज करवाया जाएगा, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन मिले और वो सोच सके कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनको अपना कैरियर पाथ किस तरफ को चूज़ करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैली के बच्चों के लिए, जहाँ पे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, ना कि पेरेंट्स जो उनको बोलेंगे कि कौन सा कैरियर पाथ उनको चूज़ करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या ब्यूरोक्रेट बनना है। उस तरह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात है, इससे बच्चों को बहुत, स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपोजर मिलता है व्हेन दे लिसन टू दी यू नो दी फेमस।